यहाँ पे शादी गणेश भगवान के बोलते हैं जो यहाँ पे देखिए गणेश भगवान तो सामने। राम राम भाई सारे भाई अनोर के हाल ठीक का पाओगे हर और के जो जने पाटे थे तारे ठीक हो। तो भाईयो आपने जो करे पहले व्लॉग में देखा था मैं इंडिया था आ गया था थाईलैंड, और थाईलैंड तक मेरा जो होटल स्टे था वो था पटाया में। तो मैं उस आगे का शूट नहीं कर पाया क्योंकि मैं बैंकॉक से चुपकर पटाया और कितने रुपया में आया वो नहीं बता पाया, लेकिन मैं आपने अभी बता देता हूँ मैं कितने पैसों में आया और मेरा होटल स्टे के कौन सा था और कितने रुपये में मेरा होटल स्टे था, मतलब पर नाइट के हिसाब से कितने पैसों में था मेरा। मैं बैंकॉक से आया था भाईयो 143 बात में। बैंकॉक का जो स्वर्ण भूमि का गेट नंबर 3 है ना, उससे आप बाहर निकलोगे ना तो आपको एक मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस लगी मिलेगी, और वो भी सुबह के 6 बजे के बाद मिलती है। उसका फेयर है 143 बात। आपका होटल नॉर्थ पटाया में है या साउथ पटाया में है आपको डायरेक्ट वो वहीं पर छोड़ देगी, वो नॉर्थ और साउथ पटाया दोनों तक जाती है। तो आप देख लेना कि आपको कौन सा आपका स्टे है उस हिसाब से बस से उतर लेना। तो अभी टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए मैं आपको अपने होटल का और दिखा देता हूँ। और भाइयों इस होटल का नाम है गोल्डन टुलिप स्टेनियल, और मैंने ये पर नाइट 900 रुपये पर नाइट के हिसाब से बुक किया है। और आप बता देना कि ये 900 रुपये पर नाइट के हिसाब से ठीक है या नहीं है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। और भाइयों ये इस होटल की है पार्किंग, आप देख लो। और एक और चीज भाइयों, जैसे ही आप इस होटल में एंट्री करोगे ना तो आपने अपना जो गणेश भगवान है ना उसकी फोटो लगी मिलेगी यहाँ पे। शायद गणेश भगवान को बहुत मानने हैं भाई, क्योंकि मैंने पहली जगह आया है जो जहाँ पे देखिए गणेश भगवान है। और अब आपने दिखाता हूँ मैं सामने का होटल का व्यू। ये मेरा होटल है और ये भाई मिल गए थे मेरे को, ये होटल के गार्ड हैं। हेलो 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 हेलो, मेरा भाई गार्ड है, ये किसी पे नहीं बोलते और ये बाहर बैठे हैं अभी। भाई जितने भी दिख रहे हैं सारे गार्ड लोग हैं भाई होटल के। ये है डाइनिंग रूम होटल का, सामने दिखने लग रहे हैं सारा का सारा डाइनिंग रूम, मतलब लॉबी है भाई ये होटल की। और यो यहाँ पे सारा स्टाफ बैठे हैं। यो दो लिफ्ट हैं होटल की, और यो नून रेस्टोरेंट स्विमिंग पूल एम शॉप रेस्टोरेंट। और यो इस होटल का किचन देख लो भैया, वट इज योर डिश नेम? डिश नेम नो इंग्लिश? भाईयो रेसिडेंट में इंग्लिश नहीं आती है। यो है मेरे होटल का स्विमिंग पूल जैसे कि आप देखने लग रहे हो। स्विमिंग पूल में आओ आप कुछ की मार सको, इसमें फ्री है। और ये है होटल का बाहर का व्यू, और ये है इस होटल का लॉन्च। अभी सब कुछ तो खाली पड़े हैं, यहाँ पर आप बैठ के ना खाना खा सको। ये LED है और ये मोहतरमा शायद यहाँ पर खाना खाने लग रही है। अभी सुबह के बजे हैं 9 और आप दोपहर के टाइम में आ कर खाना खा सको, क्योंकि लंच हो लिया सुबह 8 बजे लंच हो लेता है यहाँ पे।
और ये इस होटल की सीढ़ी है। अगर आपने पैदल आपके पैरा में जान है तो आप चढ़ के जाइए ना। दो इस होटल में दो दो लिफ्ट भी हैं, हम तो भाई लिफ्ट का यूज करेंगे, हमारे पैर कमजोर हैं, पैरा का ग्रीस खत्म हो रहा है भाइयों कती। और हमारा जो रूम है वो है तीसरे फ्लोर पर, तो हम अभी तीसरे फ्लोर पर चले जाते हैं। और मैं बता दूं टोटल इसमें 6 फ्लोर हैं इस होटल में और 2 बिल्डिंग हैं, और हमारा जो रूम है वो है 310 नंबर। तो आ जाओ आप, मैं दिखाता हूँ 310 नंबर रूम कैसा है कैसा नहीं। और ये है भाइयों मेरा रूम, हालांकि मैंने थोड़ा गंदा कर रखा है अभी। ये देख लो भाई, ये डबल बेड है, और ये बेड मैंने इसलिए लिए थे कि मेरी कोई फ्रेंड आवे यहाँ पे उसके लिए, और मुझे अकेला सोना पसंद है। ये रूम का एसी है जो कि बढ़िया काम करे हैं, और ये इसका डाइनिंग टेबल मतलब सॉरी वो शीशा वीशा की वायर मेकअप का। ये फ्रिज भी है भाई, अरे केटल भी है, 2 गिलास कॉफी के हैं। अरे यो है, अरे यो तारा भाई है जो शूट कराना आ रहा है। अरे इस होटल में वाईफाई भी है, हर हर शीशे के ऊपर इसके वाईफाई का नाम इसका पासवर्ड लिख रखा है। और अब दिखाता हूँ अपना अपना होटल का बाथरूम। ये है भाई ये इसका बाथरूम, देख लो कैसा है कैसा नहीं, क्या गीजर। और ये वो है, और चलो बाहर का भी और दिखा देता हूँ मैं आपसे बिना। और ये बाहर का व्यू है भाई, और ये इस होटल का स्विमिंग पूल मैंने आपको दिखा, और ये जो दिख रहा है ये सारा किचन है, और ये देख लो, और जो ये छोटी ही बालकनी दिख रहा है भाइयों, या रूम के साथ में है बालकनी, बैठने के लिए बढ़िया है, दो चेयर दी जा स्टूल दिया गया है। और जो यो आपने सीन दिखा है यो इस परली तरफ बाहर का है, देख लो कैसा दिख रहा है कैसा नहीं। तो भाइयों मैंने आपको सारा होटल घुमा दिया, सारा सब कुछ दिखा दिया आपके, इसके फ्लोर भी आपने इसके फ्लोर भी बता दिए, लिफ्ट भी बता दी, स्विमिंग पूल भी, और खाने का भी बता दिया कि यहाँ पे वेज नहीं है नॉन वेज है। और मैं आपको बताता हूँ अगर आपने ये होटल बुक करना है तो आप मेक माई ट्रिप से बुक कर सकते हो, 900 रुपये पर नाइट के हिसाब से मिलेगा ये आपको, और स्टाफ बिल्कुल बढ़िया है, और एंट्री करते ही आपने गणेश भगवान की फोटो भी मिलेगी, मंदिर भी मिलेगा अपना इंडिया का, बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट है, लेकिन इसमें इंडियन कम है, ज़्यादातर अंग्रेज ज़्यादातर घुसे हुए हैं इस होटल में। और फिर मैं आपको बताता हूँ अगर आप इंडिया से आ रहे हो ना, और अगर सिंगल और अगर सिंगल पर्सन हो तो आप एक एडल्ट के लिए बुक करना, और अगर आप यहाँ पे आके छिनाला करते हो या फिर कोई गपा गप वाली लड़की अपने होटल में ले जाते हो या किसी को भी ले जाते हो, तो भाई वो इंडिया से 2 एडल्ट के लिए बुक करना, 1 एडल्ट के लिए बुक मत करना। अगर 1 एडल्ट के लिए आप बुक करोगे ना तो आप यहाँ पे अपने रूम में सिर्फ अकेले ही रह सकते हो और दूसरा पर्सन नहीं लेके आ सकते, ये हर एक होटल में ही ऐसा होता है भाइयों। तो आपने देख लिया, और ये गोल्ड इस होटल का नाम है गोल्डन टुलिप इसेंटियल, बढ़िया होटल है यार, मतलब जो इसकी साफ सफाई और मतलब जो सर्विस है ना वो बढ़िया। बाकी मैंने तो मील बुक नहीं कर रखा था, मैं तो बाहर से ही खाता हूँ भाई क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। और हाँ ये मैंने 6 नाइट के लिए बुक किया था जो कि मेरे को 6,000 रुपये पड़ा था, बाकी आपको ये सामने स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा इसमें देख लो। तो भाइयों अगर आपने ये वीडियो बढ़िया लगी हो पसंद आई हो तो एक लाइक करती हो एक सब्सक्राइब करती हो, और भाई कुछ पूछना रह गया हो तो
कमेंट कर दियो, मैं हर कमेंट के माध्यम से आपका रिप्लाई करूंगा, और नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक कर दियो, मतलब कुछ ना कुछ तो करके जाइयो। और भाइयों सस्ता होटल 900 के हिसाब से बुक कर लो, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे 6 रात रुक के देख रहा हूँ। कोई भी ना आपको यहाँ पे मतलब पासपोर्ट जमा करवाने की जरूरत, ना कोई एक्स्ट्रा मनी जमा करवाने की जरूरत, आपको कुछ भी जमा करवाने की जरूरत नहीं। आओ रहो, खाओ पियो, लड़की लाओ, अय्याशी करो और चले जाओ। तो बाय बाय भाइयों।